है भाई, सुनना है तना, सबको सुनना है, सुनना है सुनना है, बहुत जन सुनना है बोल रहे हैं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ये तो उंगली करके छोड़ा है भैया। तो फिर चलो तो सुन लेते हैं। कल क्या हो गया मालूम है कि कल की रिकॉर्डिंग जो थी ना बहुत बड़ी थी, तो मैंने आगे का सुना नहीं था, तो आगे का मैं अभी स्टार्ट कर तो आगे का सुना देता हूँ, ठीक है? तो थोड़ा ना कल की थोड़ी आधी अधूरी बात रह गई, उसमें वो आदमी मर जाता है वो सब भी उसने बोला था, उसके लिए मर गया तो वो सब रह गया था, तो अभी वो सुन लो आगे का। अरे वाह, मैं ये जो अभी बोल रहे ला, मैंने बहुत सेंड करेला। अच्छा, तुम्हारे पास फुटेज जो आ गई थी? हाँ, तो तुमने बताया नहीं उनको फुटेज? मैंने मेरे पास थी, बताई, उसमें बहुत मेरे को मारा भी लोगों ने। अच्छा, फुटेज बताने के बाद अभी वो सबको कहती ना, मेरा लोकेशन इसको पूरा मालूम पड़ता है मोबाइल में। बहुत जन को कहती सुनती, मैंने इसको ऐसे झेट तक अभी बीच में नहीं, इन्हें बोला एक वीडियो में रोक के अजीत के लिए भी दुआ करी। मैं अजमेर में जिसने मेरे को ये एक डाल के दिए टिकटॉक, नहीं वो मालूम बीच में, वो बंदा। अच्छा, तो मैंने प्रूफ के साथ सभी को दिया तुमको, लेकिन यार मारे भी लोग ने बहुत गलत किए भाई। अब मैं वो टाइम पे क्या हो गया मालूम है? ये बहुत बड़ा झूठा है, मैं बताता हूँ। इसने 15 चमाट का खुलासा नहीं किया। जब इनके घर पे सीसीटीवी कैमरा है, इसमें आगे बोलता है कि मेरे फोन में भी था, जब ये इसके फोन से भी ऑपरेट होता है, जैसा मेरे फोन से भी सीसीटीवी ऑपरेट होता है, मैं कहीं भी रहता हूँ तो अपने फोन में देख लेता हूँ घर में क्या हो रहा है, कैमरे में पूरा चेक करता हूँ। तो इसके फोन से निकाल दिए बोल रहा है, तो जब तक ये घर में था तो इसके फोन में था, तो ये जब घर से बाहर निकलने के बाद इन लोग ने फोन से निकाला तो इसके फोन में रहना चाहिए ना। इसको 15 दिसंबर को जो मारे थे, इस पे चाकू घुमाए थे, ये बहुत बड़ा झूठा है, इसको किसी ने मारा नहीं रहेगा, ये सब झूठ बोला है, सब कुछ झूठ है। आगे सुनो अभी। वो टाइम पे कहती तुम्हारी बेइज्जती हो जाती कुछ, तब तुम बर्दाश्त करे, बहुत बर्दाश्त किए भाई। सुन, वो टाइम पे मैं ऐसी पोजीशन में था कि मैं कहीं का नहीं था। हाँ मालूम है ना यार, तुम्हारे फैमिली भी अगेंस्ट हो गए। हाँ, मैं अगर भागता ना तो मैं कहीं का नहीं था। सही सही बात है। फिर इन्हें मेरे सामने कुरान उठा के कसम खा दी, मेरा ऐसा कुछ नहीं। मैंने इसको क्या बोला मालूम है? मेरे को 4 महीने पहले खबर पड़ गई कि वो मरने वाला। मैं इसको बोलू 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 बोलू, मैंने बोला नहीं, एक दिन हम सोए थे। हाँ? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, एकदम हट्टा कट्टा है यार। इसका बहुत सदमा लिया भाई। अभी वो मेरे को लगता है जब अजमेर जाते आते थे गाड़ी बुकिंग करते थे तो वहाँ सब सब उसकी थी, मफत में। अच्छा, एक भी रुपया नहीं। हाँ, ये बोलता है कि वो आदमी हट्टा कट्टा था, मर गया। बोले मैंने पूछा बीमार था क्या, तो बोले नहीं, इसके टेंशन में मर गया। और बोलता है लोग जब अजमेर जाते थे ना तो मफत में घूमते थे, एक रुपया नहीं देते थे वो गाड़ी का, वो आदमी की गाड़ी में ही घूमते थे, ये इसका बोलना है। तो ये मतलब तभी जान पहचान, सब वो खिलाता पिलाता था, सब वही ले जाता था होटल में खाना खाना। अच्छा, मतलब वो आदमी जो कमावे जमा, साल में 3-4 रुपए थी अमीन जाता था। हाँ, नहीं तो ये इटली जाती पहला। हाँ, अच्छा, तब इसको टिकटॉक में कोई जानता नहीं था, वायरल। तुम्हारे कपल वीडियो के साथ ही बाद में वायरल हुई। हाँ, ये बात तो सही है। इतने पूरा बायोडेटा मैंने, अब मैं इतना सगला जान रह ला हूँ, तू मेरी माँ को रंडी बोलती गलत है, तेरा छोकरा मेरे को बोलता तेरी माँ का बुक्सड़ा, तेरी माँ चुका नहीं आता है, गलत है यार, तो कितना नीच खानदान का। ये सब इसने बोला, मैंने तो अभी तक नहीं सुना। मैंने तो उनका बेटा जो जिसका कल जो रो रहा था, क्या नाम है इसका? हाँ, बड़ा वाला लड़का ना, वो जो रो रहा था कल, वो तो कभी वीडियो में भी नहीं आता। उसने उसका भी काम करा के, उसने बोला कि उसने मारा मुझे। एक बात और एक बोलू, कल का मैंने वो जो अपा जान वाला व्लॉग जो मैंने देखी हूँ ना, पूरे व्लॉग में से वो एक व्लॉग जो कल वाला है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा, क्योंकि वो जो लड़का रो रहा था ना, इतना खराब लग रहा था, इतना खराब लग रहा था। और
मैं भी वो इमोशनल हो गई थी वो टाइम पे, कि मतलब वो उनके जो मम्मी, वो बोल रहे थे कि मैं मम्मी हूँ डैडी हूँ चल, क्योंकि देखो ऐसा है ना ये बुढ़ हम लोग, मैं किसी को गलत नहीं बोलती, आप लोग ने देखे आके मेरे को कोई उंगली करता तो मैं बोलती हूँ, ऐसे ही बुढ़े ने बहुत कुछ बोला था। तो देख बच्चा तू मेरा भाई बोलू या तू मैं तेरी मामी हूँ, वैसे तो आपा ने भाई इमरान को माने थे, मैं मामी मामी हुई मुमानी। तो अगर मेरी तरफ से अगर बच्चा कुछ दिल दुखा रहेगा तो मेरे को दिल से माफ करना, क्योंकि जो कल तू रो रहा था मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ठीक है। उतना बड़ा दिल है मेरा, क्योंकि शायद मैंने बोल दी रहूंगी बुड्ढे की बात सुन के, शायद मैंने कुछ गलत बोली रहूंगी, और वो वीडियो मैंने देखी ना तो उसके जो आंख में आंसू आया ना उसके बाद में फिर मेरे भी आंख में आंसू, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से वो रो रहा है। इतना बड़ा लड़का वो रो रहा था, मुझे बहुत खराब लग रहा था। बाकी का देखो मेरे को किसी का कुछ मालूम नहीं है, ठीक है, और मैं किसी के बोलते ना फटे में पैर मैं नहीं डालती हूँ, मेरे साथ में जो होता है वो चीजें मैं यहाँ पर आके बोलती हूँ, तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगी थी। इतना बड़ा हराम खोरे, घर में खाया, 3 साल रिया रिलेशन में, साथ में रिया शादी करके, और औरत का इतना नाम खराब किया, इतना मैं एक एक डालूंगा ना आप लोग इसको चप्पल से मारेंगे रोड पे दिखेगा, तो इतना गंदा गंदा इसने बोला है ना, आगे आगे और भी डालूंगा, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा इसका सुनो। ये लैपटॉप में से निकालो, मैं 8-9 महीना पहले का है सब, मैं लैपटॉप में से एक एक चीज निकाल रहा हूँ जो लैपटॉप में मेरे सेव है। तो देखो भाई मैं भी किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती। ये भी था कि मेरी एक बार आपा से बात हुई थी, तो आपा तभी बात हुई थी तो मैंने ऐसे पूछा था उनके बेटे के बारे में, तो बेचारा रात में काम पे जाता था, आपा ने खुद अपने मुंह से ये बात बोले, सही बात है, वो स्विगी में भी काम करता था, मेहनत करता है वो लड़का, लेकिन ये बुड्ढा बोलता है बैठ के माँ की भाड़ खाता है, ये हरामी ऐसा बोलता रात में जाता शायद ये भाड़ खाता रहेगा अपनी बेटे की, और बेचारा थक के आता था। मेरे को ये बात सब मेरे को अभी सब मैंने रिकॉर्डिंग में सुना, मैं वही सब बता रहा हूँ, और उसमें आपा रो भी रही थी बहुत, क्या इतना हार्ड वर्किंग है वो, लेकिन क्या इसने बुड्ढे ने इतना गंद सबके बारे में बचा के घर में, मतलब हम लोग को भी मालूम नहीं था क्योंकि ये आदमी वो घर का था, तो हम लोग ने इसकी बात पे यकीन कर लिए, क्योंकि इसलिए मैंने माफी मांगी। देखो शायद मैं उससे उम्र में बड़ी बड़ी ही रहूंगी, शायद ज्यादा बड़ी रहूंगी या कुछ भी है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोची कि वो मेरे से छोटा, लेकिन शायद अगर मेरी वजह से अगर कहीं ना कहीं उसका दिल दुखा रहेगा तो मैं सॉरी इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने भी बुड्ढे के टाइम पे बहुत कुछ इन लोगों को बोली थी, और आपने जो कि बुड्ढे ने अपने मुंह से बोला था, रिकॉर्डिंग मैंने नहीं सुनी थी, इस वजह से देखो मैं उससे माफी मांगी हूँ बच्चे से, ठीक है, और उसका नाम है अली, आप लोग ने भी देखे ब्लॉग में जो कि रो रहा है, वो पता नहीं क्या दिल दुखा रहेगा, क्योंकि देखो माँ कैसी भी हो ना जब बच्चे पे कुछ बात आती है ना तो कोई भी माँ रहने दो उस तो वो उसके उसके ऊपर तो पहाड़ टूट जाता है। ये बुड्ढा इतना बड़ा हरामी है, इतना बड़ा क्या इसने नीच बोला था, हम लोग को बोला था नीच, ये नीच की पैदाइश है बुड्ढा, घर में खाके उन लोग का इतना नाम खराब किया, इतने जगह मेरे को अकेले को नहीं बोला, मेरे बाद उसने इतने यूट्यूबर से बात किया और इतनी झूठी झूठी कसम का, इतने यूट्यूबर के पास इतनी सारी रिकॉर्डिंग है, उन लोग के पास बहुत जन के पास है, अभी भी वो चुप नहीं हुआ है, अभी भी उसका चालू है, अभी भी वो सुधरा नहीं है, जो कि मुझे आज की आई हुई इसकी 3 रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, और झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, अगर लगे ना तो वो भी सुना दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल नहीं सुनाना चाहती हूँ मैं। अभी भी बुड्ढे तेरा मुंह बंद नहीं हुआ है, मेरे को लगता तू चामट तो तू खाने ही वाला है, तू खाएगा देख तू कैसा खाएगा, क्योंकि तू है ना बहुत हरामी है, नालायक इंसान है तू, और तू कभी नहीं सुधर सकता, और ये मैं बाद में अभी मेरे को अगर वो रिकॉर्डिंग मिलेगी तो शायद आपा की तो मैंने किया नहीं था आज तक, ये बुड्ढे की जब मेरे को पता चला तो मैं करने लगा, तो आपा की अगर रिकॉर्डिंग रहेगी ना सॉरी तो मैं भी सुना दूंगा, उसमें आपा रो भी रही थी कि वो काम पे जाता है रात में, ये बुड्ढे ने कुछ भी करता है, देखो वो अगर 15,000 कमाए या 20,000 कमाए लेकिन वो मेहनत कर रहा है और नाइट काम कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। ये फुकट ने ना बैठ के 8 महीना शायद खाया ना, तो ये लोगों को ऐसी सोचता है कि ये लोग भी फुकट, और क्या बोला था तो लाइव मेरे बुड्ढे लाइव मैं सुनी तेरी, बोलता है कि औरत की पल्लू में छुपता, औरत की पल्लू में छुपता, तो कहाँ छुपेगा तेरी औरत के उसमें छुपेगा क्या। एक औरत को तो शक कर करके बिस्तर पे डाल दिया, दूसरी औरत को शक कर करके साला ट्रेन में भी जाता था, देखो चैन नहीं रहता था, वो कैमरा लगा उसको खोल खोल के देखता था घर का क्या है, और बोलता था तैयार होके वो चले गई गोरी, तैयार होके चले गई। तो देख गोरी को तैयार होके जाने, मुझे ऐसा लगता है गोरी को अगर तैयार होके जाने का रहता था ना तो तेरे से शायद शादी नहीं करती थी, गोरी तैयार होके ही जाती थी। तो ऐसी बात है, सॉरी यार सॉरी, ये सब चीजें मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, बुरा लगा था सना को भी बहुत बुरा लगा, मुझे ये बात यार सच्ची मैं बोल रही हूँ ना अल्लाह की कसम, मुझे ये बहुत ही ज्यादा बुरा लगा जो वो रोया है ना बच्चा, बहुत ज्यादा बुरा लगा यार।
इसलिए मैंने माफी मांगी बड़ा दिल करके, भाई माफ कर देना या बच्चा जो भी है। टेम्बू किला तो पक्का है और बुड्ढे का टेम्बू किला तो पक्का है। कोई इसको मारे नहीं मारे, कोई पकड़े नहीं पकड़े, हमारे को जो दिन वो मिल गया कहीं पे भी तो तुम लोग को दिख जाएगा। और देखो ये एक बात है कि अगर मतलब बहुत लोग के दिल में ये चीजें रहेगी ना, हम लोग रिकॉर्डिंग खेल रहे, वीडियो खेल रहे, तो देखो हमारे में इतनी ताकत है ना, तो हम है ना दूसरे के बल पे नहीं उड़ते, ठीक है। तो हमारे में इतनी ताकत है, हम उसके घर पे भी जाके मार सकते हैं। लेकिन परसों के दिन क्या हुआ, कुलसुम पापा ने घर पे भेजी, बुड्ढा अगर घर पे भी रहेगा तो घर वाले क्या बोलेंगे, नहीं है जब वो मिलेगा नहीं तो इतना दूर जाके मतलब नहीं है ना, मिलेगा वो कहीं ना कहीं तो टकराएगा जरूर, या वो बॉम्बे आए या फिर अजमेर में मिले या कहीं भी मिले, मिलेगा तो सही ना। वो कौन बच्चा? अरे अली बच्चा की बात कर रही है। और ये थोड़ा सा आगे का सुन लो, आगे का थोड़ा बाकी रह गया था, बीच में टॉपिक आ गई तो थोड़ा सा रह गया है, तो आगे का सुन लो। ये ऊपर हाथ रखते बहुत गलत है। तो फिर मैंने गुस्से में इसको बोला, तो भोसड़ी की तू जो बोलती है ना, और सुन मैं जैसा सूरत का हूँ ना, ये उसके साथ लग पड़े फोन पे वीडियो कॉल पे, इसके लिए तो मेरे मोबाइल में से तात्कालिक उसने जब मैंने बता दिया ना उसको, तुमने वीडियो बनाया बोल के बता दिया, तो फिर उसके बाद मेरे मोबाइल में से इन लोगों ने सब डिलीट नहीं किया, निकाल दिए मेरे की सब आईडी सब चेंज कर, खाली मोबाइल के अंदर अमीन और ये दोनों के पास ही थे मेरे। अच्छा घर का कैमरा। हाँ और अमीन है ना, अमीन अमीन बाहर रखे वाली करे, इसको मालूम है बॉम्बे की एक कोल गर्ल को बहुत बवाल मिली वहाँ, क्या नाम था, डेढ़ लाख रुपए देकर उसको छुड़वाई फंस गई। क्या एक मुमताज बंगालन थी ना, मलाल बंगालन तुम बोले, बराबर हाँ उसको आज छोकरियाँ रखते, इसका सब बहुत काम था। तुम बता दे उसने मेरे को पूरी इसकी लाइफ स्टाइल बता। अभी तू बताइयो ये औरत पासावंती है। अभी सुनो क्या नाम है उसका, मुमताज बंगालन कौन है, इसके बारे में भी ये बुड्ढे ने ही बात बाहर फैलाया, सब बुड्ढे ने किया, पूरे घर की डिटेल बुड्ढे ने ही बाहर निकाला, ये इतना बड़ा नीच आदमी है, तुम सोचो अभी तुम लोग। देखो मेरी उससे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है आपा जान से, ठीक है, मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, उन्होंने कभी भी उनकी वीडियो में मुझे गलत नहीं बोले, ठीक है। हाँ मैंने बहुत कुछ बोली उस चीज की, मैंने माफी तलाफी भी कर ली, ठीक है, माफी मांगना कोई बुरी चीज नहीं है, मैंने ये चीज भी बोली। लेकिन हाँ बुड्ढे ने जो चीज एक आदमी होके इतनी गंदी, चलो मेरे बारे में बोला समझ में आया, जो बिचारी आपा उसको सिगरेट मंगा के देती थी, जो ये गोल्डन ग्रुप वाले उसको सपोर्ट करते थे, उन लोग के भी तक के उसे बारे में बोला है, वो किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है बुड्ढा। और वो मार तो जरूर खाएगा, जो जरूर खाएगा वो मार, उसको तो ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैंने उसको ये चीज जरूर बोली हूँ, मैसेज में बोली एक बार बुड्ढे आ मैं ताकि एक देखो दो थप्पड़ लगाओ उसके बाद छोड़ दूँ, क्योंकि उम्र में वो बहुत ज्यादा ही बड़ा, शायद मेरे बाप की उम्र का ये चीज नहीं करना चाहिए। लेकिन जो चीजें उसने बोला ना औरतों के बारे में, कुलसुम आपा से ही तुम लोग समझ गए रहेंगे वो कैसा इंसान रहेगा, कुलसुम आपा जो तरीके से भड़की थी। और एक बात मैं बोल रहा हूँ, क्या इसने जो भी चीज बोला ना, इसका हमारे पास यही प्रूफ है जो इसने अपने मुंह से बोला है, ये कुत्ता जो घू खा के अपना जो बाहर निकाला ना, जो यही हमारे पास प्रूफ है, और हमारे पास कोई इसका बड़ा एविडेंस नहीं है, इसके बोलने पे ही हम लोग ने ये प्रूफ जो इसने सब बताया था क्या ये ऐसी है वैसी है, इस वजह से हम लोग ने आज ये सब शो कर दिए। आपकी रिस्पेक्ट करती है सायरा आंटी। हाँ तो वो देखो वो करते हैं, लेकिन बुड्ढे ने हमारे दिल दिमाग में वो चीजें सब डाल के रखा था, वो तुम लोग को चप्पल की जगह, जो कि परसों वाली लाइव में तुम लोग ने बकायदा फिर से सुने हो कि वो तुम लोग को बोलती थी लोग को चप्पल की जगह रखने का, तो देख तू हम लोग चप्पल के लायक तो भी है, तू तो उससे भी गया गुजरा है ना ना। देखो दोनों औरत पल्लो, देखो कितनी जलन होती है ना एक आदमी को, तू मतलब एक औरत आदमी को साथ में देखता तो तुझे अंदर से कितनी जलन होती है ना, ठीक है। और किसी को अगर बुरा भी लगाना तो देखो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उससे मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी ही नहीं है, और हाँ उसने मेरे लिए कुछ गलत नहीं बोली आपा ने, तो मेरे भी दिल में उसके लिए इतना कुछ नहीं है। हाँ पहले था जो कि अभी आपा ने वीडियो भी बनाई थी लास्ट टाइम, तो बोली थी मैंने तुम लोग के लिए कभी कुछ नहीं बोली हूँ, और उसने अपने मन से लगा के बोला रहेगा, तो मेरे ख्याल से हो सकता है इसने मन से ही लगा के बोला, और बाकायदा इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास में आती है तो मेरा और दिमाग खराब होता है सुन के, ठीक है। तो बुड्ढा तो है तेरा, तो इसने ये बात बोला था, बोला क्या, तुम लोग का जब फोन आता था ना तो आपा बोलती थी
क्या इन लोग की औकात नहीं है, इन लोग का स्टैंडर्ड नहीं है अपने से बात करने के लिए, क्यों फोन उठाता है बार बार? ये हम लोग के दिमाग में इसने वो दिन से डाला था, वो चीज़ डाल के रखा था। और उसके बाद फिर एक बार मैंने फर्स्ट टाइम आपा ने मेरे को बोले जब इसका रिकॉर्डिंग इसको भेज दे, जो गाली दिए थे जहाँ से ये सब शुरुआत हुई, तो मैंने भेज दिया उनका झगड़ा चल रहा था। तुझे अभी भी मैं बोल रही हूँ, अभी भी टाइम है, तू आके ये बोल मैंने तेरा झगड़ा लगाई थी या फिर तेरा सुलह कराई थी। सच्ची सच्ची बोलना, अल्लाह को हाजिर नजिर करके, क्योंकि तू जो ये बदमाशीपन कर रहा है ना वो अच्छा नहीं कर रहा। परसों वाली लाइव में तू जब जाके बोला है ना तुम लोग मेरा घर तोड़ा रहे थे, तो इस चीज को क्लियर करने, तो तेरी बहुत सारी रिकॉर्डिंग रखी सब जगह में घुमत, जो है क्लियर कर, क्योंकि मेरा नाम तूने खराब किया, मैं तो तेरे को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। और मैं किसी के पीछे पड़ती हूँ ना तो मैं हाथ धो के पीछे पड़ती हूँ, और बाकी मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? जो मेरे लिए बोलेगा मैं उसके पीछे पड़ूंगी। तेरा तूने बोले थी ना थोड़ा सुनाने का घंटा ले सुना। वो ना तेरे को रिकॉर्डिंग सुनाना बिंदास सुना। वो मेरे को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है, घंटा। अरे इसको बता घंटा होता है कि क्या होता है। ये परसों वाली लाइव है जो कि मैंने देखी हूँ, ठीक है? ये परसों वाली लाइव शेयर किया है इसने, तो ये मैं उसकी लाइव में जाके ये घंटा घंटा रे घंटा है के पहले वो तो देख ना भैया, तेरे पास घंटा है हाँ कि चला गया है ऊपर, ये बता। मैं उसको पढ़ता जो औरत के पल्लू में छुप के बैठता है। पल्लू तरह पल्लू बोल रहे छुपता है देख, छुपता है ये औरतों का सहारा नहीं लेता। अबे औरतों का लेता नहीं, पूरे यूट्यूबर पूरे यूट्यूबर का सहारा लिया तूने, इतना बड़ा कुत्ता है तू, तेरे में दम नहीं था इसके लिए तूने सबका सहारा लिया। क्या मेरे को बोलता है गाली देता है तो तुम कौन से पारता है बे? ए सुन, ने वो फटेली डपली डपली को मेरे घंटा 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 नहीं होता है वो गंडिये, घंटा नहीं होता है घंटा, घन बोल घन, बहुत घंटा, ठीक है? घंटा गंडा नहीं होता है, गंडा गंडिये तू गंडिया है तो तू वही बोलेगा ना। वो भी मेरे नाम से भीख खा रही है अभी। ओ जब से उनने अय्यूब रंटा की भीख लेना चालू करी तो भूल रही है। अय्यूब रंटा के नाम की भीख इतनी लेता मैं तुम इतना सलमान खान है, सबको वार्निंग दे देता जितने भी छोटे यूट्यूबर है। ओ शाहरुख खान सुनो, वार्निंग सुनो, समझ के कुछ भी बोलना मेरे बारे में मैं तो स्ट्राइक मारूंगा, मैं स्ट्राइक मारूंगा, ये धमकी। फिर मेरे को मैसेज करके काले वाले नहीं करना, इसके काले वाले नहीं करना कोई, एक तो पहले वो गोरे वाले है नहीं, काले वाले इसके दोनों कोई करना मत यूट्यूबर लोग। और किसी को कुछ तकलीफ होती है तो इधर बैठी है तुम लोग की बहन, छोटी बोलो या बड़ी, कभी कुछ ये बूढ़े ने कुछ तकलीफ किया तो अपने को फोन करने का, ये बूढ़े के सारे चट्टे आके उधर खोल के बैठूंगी ना, सब मालूम पड़ जाएगी बूढ़े की हकीकत, ठीक है? और सुना देगा एक और सच्चाई बताऊंगा लाइव में आके। ओ हो बेटा बुढ़े, अभी ये जितनी भी पब्लिक देखती है हाँ, अब रोज मेरा इंतजार करो। कहाँ गया तेरा इंतजार है, किधर है तू? किसने किसने किया था सच्ची बोलो, ये सलमान खान जो कि यहाँ का कभी इसने जिंदगी में इसके साफ नहीं किया रहेगा। लेकिन गया का सना, इसका इंतजार कर रहे कहाँ ये? इसकी दोनों अलग से पप्पी कैसे देते? और रोज मैं बताऊंगा हाँ, ये तमाशा जो बताते ना रोड पे मदारी का खेल, या उंगली टेढ़ी की रहे, एक बंदरिया ने एक कुत्ता, एक बंदरिया ने एक कुत्ता, ये देख ये ऐसा है, देख ऐसा ऐसा क्या मालूम, मैंने पूछा नहीं यार, देख ये बुड्ढे ऐसा ना ऐसा ऐसा, इतने दिन में मिला उसको पूछा ही नहीं था ना, ये हुआ कैसा, ये कांड क्या है? ये लगता है वो गधे के डाल के रखा। सुबह में बेचारे निकले नहीं, ने तमाशा बतावे नहीं तो उनकी अर्निंग होवे नहीं, शाम को उनकी खिचड़ी पके नहीं, खिचड़ी पके नहीं और ये हिजड़ी। अरे खिचड़ी कभी कभी खाते रे भाई, तेरे तो रोज खिचड़ी नहीं खा रहे हम लोग। अरे देख अभी यूट्यूब चला रही ना बुढ़े, देख मैं अभी यूट्यूब चला रही ना, ठीक है? तेरे नाम की भेक अभी मेरे को मिल रही ना, पहले क्या भूखी मर रही थी? क्या तेरा बाप आ रहा था मेरे को खिलाने? कौन आ रहा था भाई? क्या तू आ रहा था बता? तू पहले अपनी दोनों औरत को संभाल, बाद में बात कर। 8 महीना तेरी वो ये वाली औरत मेरे को संभाली और पूरी फैमिली को पैसा भेजी है ना, क्या अभी ये सारी सच्चाई बताओ, बता यहाँ पे। तो बराबर ही रखा था उसने तुमको चप्पल की जगह पे। हाँ ये आया पॉइंट, डपली फटेली उसने बोला है तुमको मैंने चप्पल की जगह पे रखा है। देखो रखा था उसने, अबे तेरे को अभी पूरी सोशल मीडिया ने चप्पल की जगह रखा है, कैसा चप्पल की जगह,
कितनी गाली सुना फिर भी साला बेशर्म आज वीडियो डाले ले। 15 लाख उसके घर पे बैठ गया, कुलसुम पापा के घर पे बैठ के ये सब किया था ना। अच्छा है कि वो तेरी कुलसुम पापा ने पूरी पोल खोली नहीं अभी तक, ये बोलता अपने को चप्पल की जगह रखे और तू उंगली करेगा देखो मालूम है। पूरा सोशल मीडिया चप्पल चप्पल की जगह पे इसको डाले। एक मिनट, इसने बोला की चप्पल की जगह, देखो चप्पल की जगह कहाँ बैठी हूँ मैं तो, माशाल्लाह मेरे खुद के घर में बैठी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा खुद का, मेरे ससरे का, मेरे ससुर जी का, हम लोग के लिए सब कुछ रख के जो गए, माशाल्लाह अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये बुड्ढा तेरे को तो वो भी नसीब नहीं है ना, दूसरी औरत का घर नसीब हुआ ना पहली औरत का घर नसीब हुआ। देख अभी भी वो उसके शोटर के घर पे बैठ के तू वीडियो बना रहा है, क्यों रे? तेरी औकात नहीं है खुद के घर में बैठने की? भगा दिए ना। एक मिनट, ये चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी, ये गंदी हरकत जो किया है ना, ये देखो। और है ना अय्यूब रंटा कोई क्या घंटा रिकॉर्डिंग से डरता नहीं है, जिसको जो उखाड़ा ना उखाड़ ले आके, समझे? छी उखाड़ेगा ना, मेरे को ऐसा लगता है अगर तेरा कोई उखाड़ेगा ना तो मेरे को लगता है इमरान, क्योंकि तू नहाता धोता नहीं है। जड़ से तोड़ेगा, उखाड़ेगा नहीं, क्योंकि तेरा मेरे को नहीं लगता है कोई उखाड़ पाएगा। ठीक है, जो रोड पे बिचारे वो पागल रहेंगे ना, उन लोगों का तो भी एक टाइम कोई सोचेगा ये सब करने के लिए ना, उन लोगों को नहलाने धुलाने। तेरे को तो कोई गंदे कितना भी गंदा आदमी रहेगा ना, मेरे को नहीं लगता तेरे को कोई हाथ लगाएगा। अरे फुल नशे में था, अरे लगा के बैठा रहेगा, फुल नशे में, फुल नशे में था, कन्फर्म है। इतने जन ने मैसेज किए, बोले भाई ये दारू पी के बैठा रहेगा। इसकी जो जिंदगी खराब हो रही है ना अभी ये बुढ़े की, ये गंदी हरकत जो करके ये हम लोग को बता रहा है ना, इस वजह से मैंने आपा को छोटी बैठी थी, बच्ची पीछे बैठी है, देखो बच्ची के सामने वो सारी चीजें कर रहा है, बच्ची पीछे बैठी। आप लोग ने अगर नहीं देखे रहेगा ना ये, तो जाके उसकी वीडियो में जरूर चीजें देखना जो कि इसने लाइव शेयर किया है। ठीक है, बच्ची पीछे बैठी है, बच्ची के सामने वो ऐसा ऐसा कर रहा है, कितना हरामी आदमी रहेगा। तो ये खुद की औलाद को अपनी औलाद जैसा क्या समझेगा ये? अभी तो तुम लोग को अभी कल बोला था ना मैंने, वो अभी मैंने रेडी करके रखा, ये थोड़ी आधी बाकी थी, वो ड्रिंक में था, वो ड्रिंक में था, ड्रिंक ड्रिंक पक्का पक्का पिया हुआ था, ये बेवड़ा है, पी के पी साले को मारो, बिल्कुल मारूंगी तुम लोग से, एक वादा करती हूँ मैं, जरूर उसको मारूंगी, जहां मुझे टकराएगा मैं जरूर उसके दो टेम्बुकले निकालूंगी। ठीक है, क्योंकि ये वादा रहेगा तुम लोग से मेरा, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था जो मेरे को ना रिकॉर्डिंग भी किसकी, बहुत लोग की रिकॉर्डिंग है, मैं नहीं चाह रही थी कि मैं इसको चार बार किसी से सुनाऊं। ठीक है, क्योंकि इसकी बैंड अच्छी खासी मैं ही बजा रही थी, लेकिन बोलते हैं ना परसों आके इसने जो मेरे को छेड़ के ना गलती कर दिया, इसके सामने कोई रोया धोया रहेगा और जाके बोला रहेगा कि जा तू सना इमरान के बारे में बोल, पर तू नहीं जानता बेटा सना और इमरान। ये सुनो, ये सुनो, मजा आ रहा है ना, कैसा मजा आता है बहुत। एक मिनट, मैं इसका सवाल देता चाहूँ, चालू देख, औरत की बगल भी नसीब हो रही है और औरत का पल्लो भी नसीब हो रहा है। अरे भाड़ खाऊ, तू ये बता, तू दो शादी किया ना, किया ना? गोरी इतनी खूबसूरत थी ना, एक को तो बिस्तर पे तूने डाल दिया, ठीक है, गोरी तो इतनी खूबसूरत थी ना, गोरी की बगल में तू क्यों नहीं बैठा, गोरी की बगल की बात तूने क्यों नहीं लिया, ये बता मुझे पहला तो, क्योंकि ना तेरी औकात नहीं थी, समझ में आया? और तू जितना नाद में लगेगा ना, हाँ, और देखो तेरी देख जो भी छम्मक छल्लो तेरे को सिखाती रहेगी ना कि ऐसा बोल वैसा बोल, तो एक घंटा मेरा तू कुछ वाका नहीं करेगा। मैंने तेरे को ये चीज भी बोली, जा तू कंप्लेंट कर, मैं चाहती हूँ वहां पर आऊं और तेरी अच्छी खासी बैंड बजाऊं, ठीक है? पर नहीं, तेरे से नित, क्योंकि तेरे को मालूम है सना यहाँ पे आएगी तो पूरा तहलका मचाएगी, ये बात मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ, ठीक है? क्योंकि तेरी बहुत सारी ऐसी चीजें मेरे पास रखी है, अभी तो सिर्फ कुलसुम पापा को भेजी बेटा, तू तैयार रहे, तू ये जो लाइव आकर तूने जो गंदी हरकतें किया है ना, इस चीज से मैं बहुत चिड़ी हुई हूँ, इस चीज से बहुत चिड़ी हूँ, क्योंकि मेरे को तूने चल बाकी की सारी गंदी बातें तूने गालियां दिया था, ये सब चीजें मैंने थोड़ी तो बर्दाश्त कर ली, लेकिन ये चीज तू बच्ची पीछे बैठी है, बच्ची के सामने तो यूं 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 करके बात कर रहा है, तेको शर्म नहीं आती है? हाँ बेवड़े है, बेशरम साला, दारू पिया था ये, बच्ची को साइड में करना, बच्ची बैठी है। अभी हम लोग बच्चे लोग आ जाते तो हम लोग भगाते, लोगों को बोलते नीचे जाओ, अंदर जाओ, बेडरूम में जाओ, पीछे बच्ची बैठ के बेड पे बैठ के बेचारी देख रही है बच्ची, कुछ शर्म नहीं है,
इतना साला खुद ना मर दे और दूसरे को बोलता है मर दे क्या। तू ना मर दे बोल के तो देखो दोनों औरतें भगा दिए बुड्ढे। मैंने एक जन से माफी भी मांग चुकी यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं शायद मेरी भी मेरी भी बातें बुरी लगी रहेगी बच्चे को, तो इसलिए मैंने उस चीज की सॉरी बोली। ठीक है, तो देखो बड़े हो या छोटे हो सॉरी बोलने से कोई ये नहीं होती है, अच्छी बात है सॉरी बोलना। लेकिन है ना, इतनी बड़ी गलती नहीं की हूँ, जितनी बड़ी बुड्ढे ने गलती किया है ना उतनी बड़ी गलती तो मैंने नहीं की हूँ। ठीक है, जो भी चीज थी मैंने बुड्ढे की मैं सुना रही हूँ, तुम लोग को बता रही हूँ। और मैं ये बोल रहा है कि ये लोग है ना सब खेल खेल रहे मेरे साथ, ये लोग है ना आधी आधी रिकॉर्डिंग सुना रहे। तुम लोग को कहीं पे लग रहा है हम लोग रुखा मतलब इसकी आधी आगे पीछे करके सुना रहे? तुम लोग बोलेंगे मैं एक साथ डालूंगी, लेकिन ये आधे आधे घंटे की रिकॉर्डिंग है। तो देख बुड्ढे गेम नहीं खेल रही, तू मेरे को बोल मैं तेरे को रिकॉर्डिंग कितनी अच्छी होती सब सेंड करती हूँ। समझ में आया बुड्ढे की रिकॉर्डिंग ये वो जो भी चीजें, तो सब यूट्यूब पे डालूंगी, जाना देखना। और हाँ, किसी को अगर बुरा लगता है तो उसके लिए देखो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है उन लोग से। मेरे को ये सारी चीजें बुड्ढे ने बोला था और बुड्ढे की बातें सुन के मैंने, और मेरे को ये चीज भी बोली थी आपा जाने की अगर वो अगर कुछ भेज सकता है उसके पास अगर कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ भी हो सकती तो वो सुनाए कि मैंने तुम लोग के बारे में कुछ बोली। और सही में उसने पूरी इतनी सारी वीडियो में हम लोग ने बहुत कुछ बोल दिया और आपा ने कुछ नहीं बोली, तो उससे हम लोग को पता चला। क्योंकि मेरे खुद के घर वाले लोग ही वो उनके फैन है, तो वो लोग भी मुझे इस बात पे बहुत चिल्लाते थे कि मत कर मत ये सब कर। तो इस वजह से शायद फिर मैंने सोची कि ये बुड्ढा हरामी जब मेरे बारे में इतना कुछ बोल सकता तो ये किसी का भी नहीं हो सकता। मेरे को बेटी बोला था इसने, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, चलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज, आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।